नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज के मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं: असम के 13 जिले चक्रवात रेमल के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए, दिसंबर 2023 से दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में सुंदुनु कागीगर ज्वालामुखी में पांचवी बार उद्गार हुआ, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, FAO के अनुसार खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण उपकरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन किया गया, 2021 के लिए वैश्विक क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। असम के 13 जिले चक्रवात रेमल के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम के कुल भू क्षेत्र का लगभग 39.58% बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। चलिए सबसे पहले असम में बार बार बाढ़ आने के कारण जानते हैं। पहला कारण है मानसूनी वर्षा। ब्रह्मपुत्र बेसिन में वार्षिक वर्षा का लगभग 85% मानसून के महीनों में होता है, जिससे बाढ़ आती है। दूसरा है अधिक जल का प्रवाह। 50 से अधिक सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के जल के मुख्य स्रोत हैं। इससे अधिक जल का प्रवाह होता है और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तीसरा है नदी किनारों का कटाव। ब्रह्मपुत्र नदी में जल के उच्च प्रवाह और तेज धारा के कारण किनारों का निरंतर कटाव होता रहता है। इससे नदी का मार्ग बदल जाता है और बाढ़ आती है। चौथा है भूकंप प्रवण क्षेत्र होना। भूकंप और भूस्खलन की वजह से तलछट व मलबा नदियों में संचित होते रहते हैं, कि नदी के तल को और ऊपर उठाते हैं तथा बाढ़ के जोखिम को बढ़ाते हैं। अन्य कारणों की बात करें तो वनों की कटाई, पहाड़ों पर निर्माण कार्य, चट्टानों का कटाव, अतिक्रमण, आर्द्र भूमि के विनाश जैसे मानव निर्मित कारकों ने बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। चलिए अब बाढ़ के प्रभाव समझ लेते हैं। नदी के किनारों के कटाव के कारण जान माल और कृषि भूमि का नुकसान होता है, परिवहन मार्गों एवं वाणिज्यिक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करती है और पेयजल प्रणालियों को प्रदूषित करती है। वनस्पति का नाश होता है तथा वन्य जीवों एवं उनके पर्यावास को भी नुकसान पहुंचता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और बाढ़ की रोकथाम के लिए पहले जान लेते हैं। सूचना का प्रसार करने और जनता को समय पर अलर्ट जारी करने के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली निर्मित की गई है। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कटाव को रोकने और जल निकासी में सुधार करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम बनाया गया है। बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। बाढ़ का पूर्वानुमान एवं चेतावनी, बाढ़ के लक्षण और जलाशयों का विनियमन जैसे गैर संचारणात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जल निकासी प्रणाली में सुधार के लिए आर्द्र भूमियों और स्थानीय जल निकायों का पुनरुद्धार करना चाहिए। ये अतिरिक्त जल के निकास के रूप में कार्य कर सकते हैं और जल भराव को रोक सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन की देखरेख के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एकीकृत बाढ़ प्रबंधन समूह की स्थापना की जानी चाहिए, जैसा कि जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। दिसंबर 2023 से दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में सुंदुनु कागीगर ज्वालामुखी में पांचवी बार उद्गार हुआ। आइसलैंड ज्वालामुखीय रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है। यह जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है। यहाँ पर यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेट्स विपरीत दिशा में संचलन कर रही है। आपको बता दें कि यह हॉटस्पॉट्स का भी हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में ज्वालामुखी सक्रियता बढ़ गई है। चलिए अब खबर के शुरुआत में ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण समझ लेते हैं। हॉटस्पॉट पृथ्वी के मेंटल का वह भाग है जहाँ से गर्म प्लूम्स ऊपर की ओर उठते हैं। इसके कारण ऊपरी परत पर ज्वालामुखी बनते हैं। उदाहरण के लिए रीयूनियन हॉटस्पॉट, परी प्रशांत पेटी यानी रिंग ऑफ फायर में 2/3 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में स्थित माउंट रूप पेहू। अब सारी प्लेट सीमा के अंदर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती जाती है, यानी विपरीत दिशा में संचलन करती है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक कटक। ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो यह भूपर्पटी की सतह पर एक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से गैसें, राख, पिघला हुआ लावा आदि सतह पर निकलते हैं।
ज्वालामुखी भूमि और समुद्र नितल दोनों पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें बाहर निकलती हैं। आइए अब ज्वालामुखी के प्रभावों के बारे में जान लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अपक्षय के बाद ज्वालामुखीय पदार्थ उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए काली मिट्टी। इसके अलावा ये आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत होते हैं। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्वालामुखीय राख और उत्सर्जित गैसें पृथ्वी के एल्बिडो में वृद्धि करती है, इससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से संक्रामक रोग, दीर्घकालिक श्वसन रोग आदि हो सकते हैं। चलिए अब खबर के अंत में ज्वालामुखियों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। उद्गार या विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर सक्रिय, सुषुप्त व निष्क्रिय। बेरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उद्गार या विस्फोट के प्रकार के आधार पर शील्ड या डॉम, ये बेसाल्ट से बने होते हैं, इनकी तीव्र ढलान नहीं होती है, उदाहरण के लिए हवाईयन ज्वालामुखी। मिश्र ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखियों की तुलना में तीव्र ढलान होती है, उदाहरण के लिए माउंट फूजी जापान। कालडेरा, ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस समिति ने सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। चलिए सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में जानते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इसे 2023 में 11 राज्यों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया था। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यान्वित कर रही है। इसका कार्यान्वयन कुछ संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के स्तर पर कृषि अवसंरचना का विकास करना है। इसमें गोदाम, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत मौजूदा योजनाओं कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना आदि को शामिल किया जाएगा। खबर में आगे बढ़ते हैं और अनाज भंडारण प्रणाली के बारे में जानते हैं। पहला है भारतीय खाद्य निगम FCI। ये खाद्यान्न की सरकारी खरीद, भंडारण और परिवहन, सार्वजनिक वितरण और बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसी है। FCI को खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया है। यह निकाय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा है केंद्रीय भंडारण निगम CWC। इसे 1962 के भंडारण निगम अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कृषि उपज और अन्य अधिसूचित जिंसों के भंडारण के लिए की गई थी। इस योजना के लाभ की बात करें तो इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को अपनी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। खरीद केंद्रों, गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच परिवहन लागत में कमी आएगी। किसानों द्वारा वित्तीय संकट की स्थिति में कम दामों पर फसल को बेचने से रोकने में मदद मिलेगी। अंत में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम भी जान लेते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए निजी उद्यमी गारंटी योजना संचालित की गई है। भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण WDRA द्वारा नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट योजना जारी की गई है। इस योजना से किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें वित्तीय संकट के समय कम दामों पर अपनी कृषि उपज की बिक्री करने से बचने में मदद मिलती है। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। FAO के अनुसार खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में खाद्य संरक्षा और नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में खाद्य संरक्षा में
परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने संयुक्त रूप से किया था। परमाणु प्रौद्योगिकियां भुखमरी से निपटने, कुपोषण को कम करने, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ाने आदि के लिए समाधान प्रदान करती है। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकियां वन हेल्थ अप्रोच की भी पूरक है। गौरतलब है कि वन हेल्थ एक एकीकृत व समेकित अप्रोच है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संधारणीय तरीके से संतुलित और अनुकूलित करना है। आइए अब खाद्य प्रणाली में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका के बारे में समझ लेते हैं। इनमें से पहला है पशु स्वास्थ्य। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट तेजी से बीमारियों का पता लगाएगी। PCR टेस्ट एक आणविक परमाणु तकनीक है। दूसरा है मृदा और जल प्रबंधन। वैज्ञानिक परमाणु घटनाओं के बाद शेष बचे रेडियोधर्मी न्यूक्लियाइड का अध्ययन करके मृदा स्वास्थ्य और अपरदन की दर का पता लगा सकते हैं। तीसरा है कीटनाशक प्रबंधन। कीटनाशक प्रबंधन के लिए परमाणु आधारित स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक यानी SIT का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में कीड़ों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है और फिर उन्हें आयनीकृत विकिरण के माध्यम से स्टेरिलाइज करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अगला है खाद्य संरक्षा और नियंत्रण। खाद्य विकिरण खाद्य संरक्षा में सुधार करता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों एवं कीड़ों को कम या समाप्त करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। खाद्य विकिरण तकनीक के तहत खाद्य पदार्थों को आयनीकृत विकिरण के प्रभाव से गुजारा जाता है। और अंतिम है पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। विकिरण द्वारा वांछित आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। चलिए अब खबर के अंत में खाद्य संरक्षा के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर पहले एटम्स फॉर फूड पहल, इसकी शुरुआत FAO और IAEA ने की है। खाद्य और कृषि में संयुक्त FAO और IAEA परमाणु तकनीक केंद्र स्थापित किया गया है। भारत की पहले विकिरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कम क्षमता वाले विकिरण उपचार के लिए लासलगांव नासिक में कृषक केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा उच्च विकिरण क्षमता उपचार के लिए नवी मुंबई में विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र यानी RPP स्थापित किया गया है आदि। इसके साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक छठा संशोधन विनियम 2016 जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य देश में खाद्य विकिरण विनियमों को अंतरराष्ट्रीय विनियमन के अनुरूप बनाना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 में संशोधन किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 70वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनाया गया है। साथ ही 2021 में गठित अंतर सरकारी वार्ता निकाय के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है ताकि वे सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकें। इस निकाय को एक वर्ष के भीतर महामारी समझौते पर विचार विमर्श का कार्य पूरा करना है। चलिए विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके कार्यों की बात करें तो यह WHO की नीतियों का निर्धारण करता है, WHO महानिदेशक की नियुक्ति करता है, वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है, प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा करता है और उसे स्वीकृति प्रदान करता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1951 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम की जगह स्थापित किया गया है। यह एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है कि देशों की सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रभावों से निपटने में देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करता है। इसमें WHO के सभी 194 सदस्य देश तथा लिक्टेंस्टाइन और द होली सी शामिल हैं।
अब ये जान लेते हैं संशोधन की आवश्यकता क्यों है। विगत वर्षों में इबोला वायरस से लेकर कोविड 19 जैसी महामारियों से प्राप्त अनुभवों के कारण दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है। चलिए प्रमुख संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। इसके तहत महामारी आपातकाल यानी पैंडेमिक इमरजेंसी को एक ऐसे संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित है या जिसका जोखिम बहुत अधिक है। साथ ही इतना संक्रामक हो गया है या हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता उस पर अप्रभावी हो गई है या हो सकती है। इसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को महत्व देने के लिए एक समन्वयकारी वित्तीय तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम यानी IHR के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य पक्षकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अलग अलग देशों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। 2021 के लिए वैश्विक क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटीज PPP से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। ये आंकड़े इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम यानी ICP ने जारी किए हैं। इसमें 176 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। आइए खबर के शुरुआत में आंकड़ों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर चीन 2021 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस संदर्भ में इसका आकार $28.8 trillion है। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत $11 trillion के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में भारत की हिस्सेदारी 7.2% थी। हालांकि GDP के आकार के आधार पर भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की केवल 16.4% आबादी निवास करती है, जबकि वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी 46% है। दूसरी ओर निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 8.4% आबादी निवास करती है, जबकि वैश्विक GDP में इनकी हिस्सेदारी केवल 1% है। वैश्विक क्रय शक्ति समता PPP के बारे में बात करें तो क्रय शक्ति समता एक विनिमय दर है। इसमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए दो अलग अलग देशों में भुगतान की गई स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक हैमबर्गर लंदन में £2 में और न्यूयॉर्क में $4 में बिक रहा है तो इसका अर्थ होगा कि PPP विनिमय दर के मामले में £1 $2 के बराबर होगा। इसका उपयोग करके अलग अलग देशों की मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य का पता लगाया जाता है। चलिए अब क्रय शक्ति समता के महत्व के बारे में समझ लेते हैं। यह बाजार विनिमय दर यानी MER पर आधारित अनुमानों की तुलना में अलग अलग देशों में जीवन स्तर का अधिक सटीक माप प्रदान करती है। बाजार विनिमय दर में प्रायः उच्च आय वाले देशों जहां वस्तुओं की कीमतें अधिक है की क्रय शक्ति को अधिक दर्शाया जाता है। इसके विपरीत निम्न आय वाले देशों की क्रय शक्ति को कम करके दर्शाया जाता है। इसके साथ ही क्रय शक्ति समता आधारित विनिमय दरें समय बदलने के साथ MER की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहती हैं। खबर के अंत में इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम यानी ICP के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रय शक्ति समता निकालने के लिए तुलनात्मक मूल्य संबंधी डेटा और विस्तृत GDP व्यय के आंकड़े एकत्र करने के लिए एक विश्वव्यापी सांख्यिकीय पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा समन्वित बहुभागीदारी पहल है। इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। यह 2016 से वैश्विक सांख्यिकीय कार्यक्रम का एक स्थायी तत्व रहा है। यह मूल्य स्तर सूचकांक यानी PLI को भी मापता है। PLI क्रय शक्ति समता और उसके संगत विनिमय दर का अनुपात होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है सुकुमार सेन। हाल ही में सुकुमार सेन के जीवन पर
एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के प्रथम दो लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोजित कराए थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुकुमार सेन के नेतृत्व में कई नवीन उपाय प्रस्तुत किए गए थे, जैसे एक मतदाता द्वारा बार बार मत देकर चुनाव में हेरफेर करने को रोकने के लिए अमिट स्याही का उपयोग। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हम इनसे नेतृत्व, ईमानदारी, निष्पक्षता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। ओपेक प्लस देशों ने अपनी तेल उत्पादन कटौती को 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ओपेक की स्थापना बगदाद सम्मेलन 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। विवादित अबू मूसा द्वीप और दो अन्य द्वीपों पर ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन व संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया। इन सभी द्वीपों में अबू मूसा द्वीप सबसे बड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रिडफ्लेशन की परिघटना पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति की उच्च दरों को बनाए रखने में मदद कर रही है। ग्रिडफ्लेशन से आशय है कि कॉरपोरेट का लालच मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है। पारिश्रमिक और कीमतों के मध्य संबंध यानी वेज प्राइस स्पाइरल की बजाय लाभ व कीमतों के बीच संबंध मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। भारत ने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 में भाग लिया। WSIS+20 फोरम ने WSIS के जिनेवा और ट्यूनिस में आयोजित सम्मेलनों की परिणामों के कार्यान्वयन में हुई 20 वर्षों की प्रगति को रेखांकित किया। वैश्विक मृदा भागीदारी सभा ने 12वें पूर्ण सत्र में 2030 तक दुनिया की कम से कम 50% मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने और इसे बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह सत्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय शोधकर्ताओं ने सियांग घाटी में पैरा पैरा ट्रेचिना नीला नामक नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस प्रोजेक्ट का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत 2023 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय आबादी के भीतर गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना है। इसरो ने प्रभा यानी पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस विकसित किया है। यह कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर है। यह प्रक्षेपण यानों तथा विंग्स वाले और बिना विंग्स वाले री एंट्री यानों पर बाहरी एवं आंतरिक एरोडायनेमिक प्रवाह का अनुकरण कर सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।